सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिलशाद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल शाद मॉनिटर। सो गाइज, आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो रहने वाला है जिसे मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक लैपटॉप का, जो HP का लैपटॉप है और ये i5 इंटेल के साथ आती है 12 जनरेशन के साथ। मॉडल नंबर की बात करें तो i5-1235U करके आती है मार्केट में, एंड इसको एक महीने पहले ही मैंने परचेस किया है। एक्चुअली मैंने परचेस किया था अपने दोस्त के लिए एंड वो इसको यूज़ कर रहा है, 1 मंथ हो चुकी है। तो इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसी परफॉर्मेंस है इसकी, मैं आपको इस वीडियो को थ्रू बताने वाला हूँ। उसकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है, जो एक महीना में यूज़ करने के बाद जो मुझे लगी अच्छी चीज़ें और ख़राब चीज़ें, वो आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ये लैपटॉप है HP का 15S, तो इसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट इस वीडियो। एंड उससे पहले अगर से आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, ये लैपटॉप है, आप देख सकते हैं इस तरह से। इसके साथ ये आपको मिलती है चार्जर और अडेप्टर, इसके साथ बैग भी मिलती है, बैग वगैरह भी। तो मैं यहाँ सिम पर आपको दिखा रहा हूँ ये लैपटॉप एंड अडेप्टर के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये है सबसे पहले अडेप्टर, ये चार्जर आपका 65 वाट का, यहाँ पर देख सकते हैं ये फास्ट सुपर फास्ट चार्जर है। तो मैं यहाँ से पहले कनेक्ट कर लेता हूँ इसे, यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको सप्लाई इनपुट पर, यहाँ पर होती है, यहाँ पर ऑप्शन दी है, तो आप यहाँ जस्ट इंसर्ट करेंगे इसे। सो ये मैं चार्ज पर लगा दिया हूँ जैसा कि देख सकते हैं इस लैपटॉप को। एंड यहाँ से आप इसकी फिजिकल लुक देखें तो इस तरह से, ये प्लास्टिक की बॉडी है, सिल्वर कलर में आती है ये वाली वेरिएंट। तो पोर्ट्स की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर ये चार्जर, जैसे आप कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर रेड लाइट बढ़ती है, आपको डिनोट करती है चार्ज हो रही है। एंड ये सप्लाई इनपुट के लिए यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर मैंने चार्जर कनेक्ट किया है। ये देखेंगे ये दो पोर्ट आपको USB टाइप ए गिवन रहता है यहाँ पर। तो बात करें इस साइड की, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, देख सकते हैं ये है टाइप सी, पहले मिलता है HDMI का यहाँ पर पोर्ट आपको मिल जाएगा, फिर यहाँ पर टाइप सी के लिए, और ये है माइक्रोफोन के लिए। एंड यहाँ बात करें तो ये है SD स्लॉट मिल जाएगी आपको, अगर से कैमरा वगैरह से शूट करते हैं तो आप इससे डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जितनी भी पोर्ट्स थी मैंने आपको दिखा दिया है। ऊपर से लुक की बात करें तो इस तरह से आपके सामने दिखेगी। चलिए तो इसको ओपन करते हैं पहले, किस तरह का ये लुक है। एंड पीछे की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर पीछे इस तरह से ग्रिप मिलती है कुछ सपोर्ट के लिए। सो अब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो आप इसको एक हाथ से ओपन करने की कोशिश करें तो नहीं होगी, तो आपको दोनों हाथ से ही करना पड़ेगा। तो जस्ट मैं यहाँ पर दोनों हाथ से कर, तो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है जस्ट। तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा यहाँ पर, आप देखेंगे तो इसकी बॉडी में ये सिल्वर कलर की आपको इसकी कीबोर्ड मिल जाएगी। यहाँ पर पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, एंड ये यहाँ पर स्पेस दी गई है स्पीकर के लिए भी। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर सपोर्ट दी गई है HP की, व्हाट्सअप सपोर्ट एंड ईमेल वगैरह भी है, यूट्यूब की, ट्विटर की, फेसबुक की, तो यहाँ पर सपोर्ट है। अगर से आपको कोई भी दिक्कत होती तो यहाँ से आप कॉल वगैरह कर सकते हैं, यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं, और गारंटी में आपके लिए बहुत ही काम आती है। एंड ये है टच पैड, यहाँ पर आपको टच पैड इस तरह से दिया रहता है। फिर यहाँ बात करें तो यहाँ पर इंटेल आइरिस की ये ग्राफिक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंटेल आइरिस की ग्राफिक। फिर ये है इंटेल कोर i5 की प्रोसेसर, तो उसके बारे में यहाँ पर गिवन है। एंड ये विंडोज़ मिलती है आपको एक्टिव करके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 2021 का दी गिवन है, यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिव ऑफिस 2021 ये स्टूडेंट के लिए मिलती है, तो यहाँ पर वो भी मिल जाएगी आपको प्री इंस्टॉल विंडोज़। तो यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपको इस तरह से ये बटन मिलती है, यहाँ पर बैकलिट कीबोर्ड भी है इसमें है, तो यहाँ पर वो भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पर F5 क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैकलिट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर जस्ट आपको पहले ओपन करता हूँ इस लैपटॉप को। यहाँ पर देखेंगे तो ये एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, तो यहाँ पर आपको कोई भी चेहरा वगैरह नहीं दिख रहा होगा। एंड यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर नंबर नंपैड आपको दी गई है, तो ये 15S का है, तो इस वजह से आपको इसमें नंपैड भी मिलता है स्पेशल। अगर से आप 14S का लेते हैं तो 14S में आपको और नंपैड नहीं मिलती है, तो इसमें नंपैड भी आपको गिवन है। एंड ये इस तरह से कीबोर्ड इसका है। तो इस तरह से मैंने जितने भी डिज़ाइन वगैरह थी मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं इसको करता हूँ ओपन, एंड इसकी कीबोर्ड टाइम क्या होती है आप देखेंगे। तो यहाँ से मैं करता हूँ जस्ट प्रेस, एंड आप देखेंगे कितनी जल्दी इसकी रिबूटिंग टाइम होती है। तो ऐसा मैंने जस्ट इसको प्रेस कर दिया है, आप देखेंगे जस्ट ये ओपन हुई एंड देख सकते हैं। तो मात्र 2-3 सेकेंड लेती है ये ओपन होने में, आपके सामने ये ओपन हो गई है। तो यहाँ से मैं इसको जस्ट अपनी पासवर्ड ऐड कर, तो यहाँ से पासवर्ड डालकर इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये मेरा लैपटॉप ओपन हो चुका है, बहुत ही इसकी फास्ट स्पीड है, बहुत ही जल्दी ये ओपन होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ओपन करने के बाद देखेंगे तो ये इस तरह से आपके सामने मिलेगा। ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेबकैम दिया हुआ है आपके, तो इसका क्वालिटी मैं आपको चेक करा दूंगा। यहाँ से कैमरा पर लेकर आपको चलता हूँ, कैमरा इसकी क्या वेबकैम की क्वालिटी है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर।
तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं यहाँ से शूट कर रहा हूँ वीडियोज़ को, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं ऐसे कर लेता हूँ फुल, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से ये वेबकम का क्वालिटी है, बहुत ही शानदार है एंड इससे प्राइस रेंज में बहुत ही सही है। यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड भी करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, वीडियो पर कन्वर्ट करके, ये वीडियो में हो चुकी है कन्वर्ट, तो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आपका कैमरा है, वेबकैम किस तरह का है मैं आपको दिखा दिया हूँ, एंड जस्ट शो करता हूँ मैं क्लोज़। तो ये थी वेबकैम से रिलेटेड, अब मैं इस पर ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी आपको दिखाने वाला हूँ, उसके लिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाईफाई से कनेक्ट, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसकी वीडियो क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी है एंड इसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ कनेक्ट पहले वाईफाई से। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है एंड जस्ट मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ यूट्यूब। सो यूट्यूब पर मैं आपको 4K वीडियो की क्या क्वालिटी है मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन कर कर। तो यहाँ से सर्च कर लेता हूँ मैं 4K वीडियोस, 4K वीडियो अल्ट्रा एचडी, देन आप ये देखेंगे तो इस तरह से एक मैं किसी का भी ओपन कर लेता हूँ लाइक। तो ये देखेंगे इसकी वीडियो क्वालिटी कुछ इस तरह से है, अभी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, यहाँ से इसका साउंड भी दूंगा ऐसा। तो ये थी लाइक आपको वीडियो क्वालिटी किस तरह से, एंड मैं आपको ऑडियो क्वालिटी भी आपको सुना देता हूँ यहाँ पर, नो कॉपीराइट म्यूज़िक को मैं ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। मैं आपको इसमें डबल आपको स्पीकर मिलती है, तो यहाँ से साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा बहुत शानदार। यहाँ से मैं कर लेता हूँ ओपन जस्ट। As a star among the midnight sky, all the crash that blinded me, but now I see the rest. तो गाइस ये आपकी ऑडियो क्वालिटी देख सकते हैं, इसमें डबल स्पीकर दी हुई है, तो आपको ऑडियो क्वालिटी भी बहुत ही बेहतरीन मिलने वाली है, इसमें वीडियो ऑडियो क्वालिटी सभी आपको अच्छी मिलने वाली है। तो ये वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी का आपने देख लिया, आप चलते हैं इसके थोड़ा स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको दिखाता हूँ मैं। सो गाइस अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसके लिए मैं चलता हूँ आपको सेटिंग में दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। तो यहाँ से मैं ओपन करता हूँ सेटिंग को एंड इसके अबाउट में जाकर आपको दिखाता हूँ इसकी पूरी डिटेल के बारे में। तो यहाँ देखेंगे डिवाइस का स्पेसिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर लैपटॉप ADC इसका मॉडल नंबर है, यहाँ पर F215S FQ5 जो भी इसका मॉडल नंबर यहाँ पर गिवन है। आप डिवाइस नेम देखें तो लैपटॉप यहाँ पर गिवन है यहाँ पर, एंड प्रोसेसर है 12 जनरेशन इंटेल आर कोर i5 1035U 1.3 GHz की इसमें आपको मिलेगी, एंड रैम की बात करें तो 8 GB इसमें रैम है। डिवाइस का आईडी है, प्रोडक्ट आईडी यहाँ सभी गिवन है। ये इसमें 512 SSD है एंड 8 GB आपको रैम गिवन है। फिर यहाँ पर देखें एडिशन आप देख सकते हैं विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज का है, एंड वर्जन देख सकते हैं इंस्टॉल कब हुई है देख सकते हैं। तो ये सारे इसके बारे में डिटेल्स से यहाँ से आप देख सकते हैं। और भी इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको एक और भी मिलता है एक्स्ट्रा बेनिफिट, वो है बैकलिट का। तो यहाँ सर F5 जो बटन होती है इसकी, आप यहाँ प्रेस करेंगे तो इसमें बैकलिट जो कीबोर्ड है वो एक्टिव हो जाएगी, इस तरह से इसमें आपको मिलेगी बल्ब जलती हुई आपके कीबोर्ड पर। तो इसमें इस प्राइस रेंज के अंदर में आपको मिलने वाला है बैकलिट भी, इसमें आपको फैसिलिटी मिल रहा है। यहाँ से एक बार और प्रेस करेंगे तो ये जो थोड़ी सी हल्की धीमी हो जाएगी लाइट, एंड एक बार और प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो F5 को आप जस्ट एक बार प्रेस करेंगे तो ये ओपन होगी, दोबारा करेंगे तो ये हल्की सी लाइट हो जाएगी, एंड फिर तीसरी बार करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। तो ये बैकलिट का इसमें सिस्टम इस तरह से दिया गया है इस लैपटॉप में। सो गाइस इसमें अगर ब्राउजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, या गूगल क्रोम पर कुछ भी करना चाहते हो, यूट्यूब पर चलाना चाहते हो, या आप लाइक कुछ भी सर्च वगैरह करना चाहता हो, यहाँ पर आप ऑनलाइन देखना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ब्राउजिंग के मामले में बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही फास्ट तरीके से चलती है, आप जो भी यहाँ पर देखना चाहते हैं यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो एक साथ आप मल्टीपल टास्किंग भी इस पर कर सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाती है विंडोज़ मल्टीपल टास्किंग के लिए, विंडोज़ 1 विंडोज़ 2 करके ये सभी फंक्शन में आती है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं मल्टी टास्किंग भी, जो भी आप चाहते हैं यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एंड बात करें इसमें गाइज ऑफिस की, तो विंडोज़ के साथ आपको इंस्टॉल आती है ऑफिस स्टूडेंट की वर्जन वाली, तो इसमें आप चला सकते हैं, आप चाहे PPT बनाना चाहते हो या वर्ड चलाना चाहते हो आप इजीली इसमें कर पाएंगे, कोई भी लैग आपको नहीं मिलेगी देखने को। तो आप इसमें जो भी लैग प्रेजेंटेशन वगैरह तैयार करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से आप जो भी तैयार करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओपन हो चुकी है इस तरह से ये PPT है, एंड यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ से वर्ड मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। वर्ड भी आप चला सकते हैं, एक्सेल भी चला सकते हैं, लाइक यहाँ से ओपन हो गया वर्ड ये। तो यहाँ पर मैंने कुछ काम भी किया था इस पर देख सकते हैं,
बहुत ही स्मूथ चलती है, अभी नई है तो और भी स्मूथ चल रही है। एंड इसमें i5 की प्रोसेसर है तो बहुत ही पावरफुल है, तो आप जितना भी चीज़ें इस पर करेंगे बहुत ही फास्ट चलेगी। फिर आप आते हैं, हम यहाँ पर एक्सेल आपको दिखा देता हूँ कर ओपन। तो एक्सेल की बात करें तो यहाँ पर एक्सेल की ओपन कर लेता हूँ मैं एक डेट। इस तरह से आप एक्सेल पर भी काम कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, डेटा करना चाहते हैं, आप इसमें इंटर कर सकते हैं। एंड गाइज, इसमें आप सिंपल जो भी अलग का स्टूडेंट है तो इसमें आप ऑटो कैड सीखना चाहते हो या प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो कैड भी इसमें इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ आपको। जितनी भी चीज़ें हैं ऑटो कैड की वो भी इसमें आप आसानी से कर सकते हैं, जितनी कमांड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं ऑटो कैड का ये 2023 का ये लेटेस्ट वर्जन है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है इस सॉफ्टवेयर को। एंड ये बहुत ही आसानी चलती है और बहुत ही स्मूथली चलती है। यहाँ से मैं लेता हूँ एक न्यू, एंड यहाँ से आप जो भी कमांड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं इजीली। यहाँ से आप ड्रॉ करना चाहते हैं सर्कल तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। एंड अगर से आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरह से आप लाइन भी कर सकते हैं ड्रॉ, लाइक यहाँ से इस तरह से। तो इस तरह से आप जो भी तैयार करना चाहते हैं, इस तरह से ड्रॉ करना चाहते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ 2D 3D सभी ड्रॉ कर सकते हैं ऑटोकैड में भी। तो ऑटोकैड के लिए बहुत ही बेहतरीन लाइक लैपटॉप है, आप इसमें आसानी से इजीली कर सकते हैं। सॉलिड वर्क करना चाहते हो तो आप वो भी इस पर चला सकते हैं। फिर वीडियो एडिटिंग की बात करें तो फिल्मोरा हो या प्रीमियम प्रो हो, आप इजीली इसमें कर सकते हैं। सो गाइज, अब बात करते हैं मेन चीज़ पर कि आपको लेना चाहिए नहीं, एंड इसकी प्राइस मुझे कितनी पड़ी है। तो अगर से आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या काम है, आप किस पर क्या काम कर सकते हैं, मैं आपको मेन चीज़ें जो बताता हूँ। तो गाइज, इसमें जो भी बेसिक चीज़ें हैं लाइक वर्ड पर आप करना हो, वर्ड पर काम करना हो, PPT बनाना हो या एक्सेल पर काम करना हो, इतनी ऑफिस की चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें होती है आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि i5 है ये तो आप इजीली कर सकते हैं। फिर इसमें आपको एडवांटेज मिलता है बैकलिट की, तो अगर से आप बैकलिट लाइक यूज़ करना चाहते हैं, आप बैकलिट के शौकीन हैं, तो बैकलिट भी मिल जाएगी, आप रात में वर्क कर सकते हैं। अगर से आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं या ऑटोकैड चलाना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं एंड आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, तो आप इसको परचेस करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेस्ट ये प्रोडक्ट है। बट अगर से आपका रेंज इतना है तब नहीं, तो इससे पहले मैंने एक और भी रिव्यू किया है लैपटॉप का, वो i3 थी। तो अगर से आपका लाइक जो रेंज है, आपका जो बजट है वो 59 या 60 के बीच में है, तो आप इस पर जा सकते हैं। एंड अगर से आपका रेंज जो है वो 40,000 तक है, तो आप इससे पहले मैंने एक और भी लाइक लैपटॉप का रिव्यू किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। ये लैपटॉप जो है बहुत ही स्लिम एंड थीन है, लगभग 1.5 kg है, तो 1.5 kg की ये लैपटॉप है, बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हैं आप। अगर से आप स्टूडेंट हैं एंड आपका रेंज इतना है, बजट इतना है, तो आपको ज़रूर मैं सजेस्ट करूँगा तो ये लैपटॉप आपको परचेस करनी चाहिए, क्योंकि आपको कैरी करने में भी आसान होती है। इस तरह की लैपटॉप जो होती है थीन होती है, आप जहाँ भी जाते हैं तो बैग में इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। और स्टूडेंट की जितनी भी काम्स होती हैं, आप लाइक अगर से आप वीडियो एडिटिंग भी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हो सब वगैरह, तो आप इजीली कर सकते हैं सारी चीज़ें इस पर। अगर से आप यूट्यूबर भी हैं तो आप तभी भी आपके लिए अच्छी लैपटॉप होगी, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, इवन प्रीमियम प्रो भी कर सकते हैं, फिल्मोरा वगैरह तो आप चला ही सकते हैं। तो बहुत ही शानदार लैपटॉप है, अगर से आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग प्रोफेशन है या आप यूट्यूबर रहते हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लैपटॉप है। तो इसकी जितनी ही पॉइंट थी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एंड जो ये मुझे पड़ा है वो पड़ा है 59,500 है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ स्लिप, आप देख सकते हैं इस पर जो बिलिंग है, तो ये लैपटॉप इतने की मुझे। एंड वन थिंग मोर कि इसमें आपको स्टोरेज जो है 512 GB SSD मिलता है, तो अगर से आपका काम बहुत ज़्यादा स्टोरेज वाली है तो आपको इसके साथ 1 TB आप SSD भी लगा सकते हैं, जो अगर से आपके ऑप्शन में हो तो। बट अगर से 512 आप SSD यूज़ कर रहे हैं एंड अगर से आपका काम बहुत ही ज़्यादा डेटा वाला है, लाइक वीडियो शूटिंग करना हो या वीडियो को स्टोर करना हो, तो आपको यहाँ पर स्टोरेज कम पड़ सकती है। बट अगर से आप ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं करना चाहते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, क्योंकि SSD है, बहुत ही फास्ट चलती है ये, और आपको 8 GB का आपको रैम भी मिल रहा है, तो ये बेहतरीन कॉम्बो है। इसको परचेस किए हुए सिर्फ 1 महीना हुई है, मैंने 1 महीना इस पर लाइक वर्क किया है, इस पर काम किया है एंड टेस्ट किया है जितनी भी चीज़ें, तो सही से अभी चल रही है। तो इसके बाद अगर से कोई भी इसमें दिक्कत होती है या आफ्टर सम मंथ यूज़ के बाद, मैं एक और भी रिव्यू वीडियो लाऊंगा इससे रिलेटेड कि किस तरह से ये परफॉर्मेंस दे रही है। अभी तो ये नया है, बहुत ही शानदार इसकी परफॉर्मेंस है। इसके बाद कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो मैं इस चैनल पर एक और वीडियो बनाऊंगा इससे रिलेटेड, एक रिव्यू वीडियो आफ्टर सम मंथ यूज़ के बाद। तो आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस सब्सक्राइब करके इस चैनल से जरूर। सो गाइज, ये थी फुल डिटेल इस लैपटॉप के बारे में, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड स्टिल आपके पास कोई इससे रिलेटेड डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। एंड अगर से आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। एंड इसकी बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर से आप इसको परचेस करना चाहते हैं लैपटॉप को, तो वहाँ से क्लिक करके परचेस कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।